नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ फायरमैन की रिक्वायरमेंट आई हुई है उनके बारे में। किस डिपार्टमेंट के अंदर फायरमैन की रिक्वायरमेंट है, टोटल कितनी पोस्ट हैं, क्वालिफिकेशन, इसी के साथ में सिलेक्शन प्रोसेस, एज क्राइटेरिया, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पर नहीं है तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये जो फायरमैन की रिक्वायरमेंट आई हुई है वो अपने पास में RCFL यानी कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के अंदर, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी के अंदर फायरमैन की रिक्वायरमेंट आई हुई है। इसके अंदर अगर बात करें कौन कौन सी पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, तो इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों अपने पास में ऑपरेटर ट्रेनी केमिकल की, और सेकंड जो आती है अपने पास में फायरमैन की। सेकंड जो पोस्ट आती है अपने पास में किसके, फायरमैन की पोस्ट अपने पास में आती है RCFL के अंदर, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 137 पोस्ट इसके अंदर टोटल होने वाली है। इसमें अपने फायरमैन की भी पोस्ट होंगे। बात करें फॉर्म स्टार्ट के बारे में कि कब से जो फॉर्म है वो स्टार्ट है, तो 137 पोस्ट के लिए जो फॉर्म है वो दोस्तों 14 मार्च 2022 से स्टार्ट है। लास्ट डेट की अगर बात करें फॉर्म की, तो लास्ट डेट होगी 28 मार्च 2022। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है फॉर्म को तुरंत जाएं और अप्लाई करें। 14 मार्च को फॉर्म स्टार्ट है और लास्ट डेट होगी अपनी 28 मार्च 2022। इसी के साथ बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, तो कैंडिडेट हैव शुड बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इस चीज को आपको नोटिस करना है। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन आपके पास में है या नहीं है, तो आप उसके हिसाब से आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें एज क्राइटेरिया के बारे में, तो एज जो क्राइटेरिया वो रखा गया, मैक्सिमम जो एज है वो 34 ईयर, अधिकतम जो एज रखी गई है 34 साल। इसी के साथ में SC ST OBC PWD और PH जो कैंडिडेट है उनको रिलैक्सेशन छूट दिया गया है रूल के अनुसार, एज सेंट्रल गवर्नमेंट रूल, तो उसके हिसाब से उनको रिलैक्सेशन छूट जो है वो दी गई है। तो इसी के साथ में अगर बात करें इंपॉर्टेंट अभी डेट में बात करें, स्टार्टिंग जो डेट है वो 14 मार्च और लास्ट डेट जो होने वाली है फॉर्म की 28 मार्च, तो आप इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की फीस की अगर डिटेल्स की बात करें, तो दोस्तों कैंडिडेट विल हैव टू पे 700 यानी कि ₹700 जो फीस है वो आपको पे करनी होगी, और ये फीस नॉन रिफंडेबल होगी, नॉन रिफंडेबल ये फीस जो है वो होने वाली है, तो इस चीज को आपको देख लें। इसी के साथ में सैलरी की अगर बात करें, तो RCFL ऑपरेटर ट्रेनी केमिकल एंड फायरमैन सैलरी ₹50,000 पर मंथ, और RS ₹37,000 पर मंथ। तो इसी की अगर बात करें फायरमैन के बारे में, तो ₹37,000 सैलरी फायरमैन की होने वाली है इसके अंदर, RCFL के अंदर, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अंदर। फॉर्म की अगर बात करें तो दोस्तों मोड ऑफ अप्लाई, तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की अगर बात करें, तो ऑल इंडिया जॉब लोकेशन होगी, किसी भी जगह के ऊपर आपकी जो ड्यूटी है वो आ सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन बेस टेस्ट, बेस टेस्ट यानी कि जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होगा तो उनका एक टेस्ट होगा, और उसके बाद में उसका इंटरव्यू जो है वो करवाया जाएगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो होने वाला है RCFL के अंदर। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में ये अपने पास में ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, जो ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो फॉर्म जो है वो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी RCFL के अंदर फायरमैन की जो रिक्वायरमेंट है, और ऑपरेटर ट्रेनी की जो रिक्वायरमेंट आई थी वो। और भी किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मैसेज करें, या कोई भी और भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।